हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ एक रिडल चैलेंज और इसमें हम रिडल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैलेंज। और चैलेंज शुरू होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। अरे एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा, हम इतना ज्यादा था कि कोई हवेली में छोटा नहीं था। समझ रहे हो? हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत मार देगा। उस हवेली में एक रात रुकने वाले को वो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। मोहन और उसका दोस्त सोहन हवेली में जाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों सामने खड़े होकर हवेली को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी हवेली में भूत है। और दूसरे वाली हवेली में एक रात किया जाते हैं। कैसे दोनों को बाहर से ही कैसे समझ जाता है कि कौन सी हवेली में भूत है, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। हवेली 2 बनना। भूत है नहीं, हवेली 2 में भूत नहीं। सॉरी हवेली 2 में भूत है। हवेली 1 में भूत है। इसका आंसर देखिए, दूसरी हवेली को ध्यान से देखिए। पैरों के निशान जो हवेली की तरफ जा रहे हैं, उनमें एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर उल्टा है। उसी से दोनों समझ जाते हैं और 1 लाख रुपए जीत जाते हैं। कोई बात नहीं, इसमें एक वीक के लिए विकेशन के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी की तहकीकात करने डिटेक्टिव भी वो पहुँच जाता है। रोहन को उसके 3 फ्रेंड्स पे शक होता है, जेमी, रेचल और सैम। मैं उन 3 फ्रेंड से पूछताछ करता है। जेमी कहता है, मैं भी 1 वीक के लिए वेकेशन के लिए माउंटेन्स पे गया था, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ, ये देखिए मेरे पिक्चर्स। रेचल कहती है, मैं भी बीच पे थी, पूरा वीक वही थी, ये देखिए मेरा पिक्चर। सैम कहता है कि मैं भी डेजर्ट्स में था, पूरा वीक सिटी में था ही नहीं, आप मेरी भी पिक्चर देख लीजिए। मैं ना, उसने डेजर्ट में क्या पहना हुआ है, पूरे पूरे कपड़े पहने हुए हैं, स्वेटर भी पहना हुआ है। नहीं, सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कुछ। जेमी ने ठंड में भी कपड़े वाले कपड़े पहनने की। मजा आया। सोचिए और मुझे आपका डायरेक्शन अलग है और शिप के फ्लैग का डायरेक्शन अलग है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? असंभव, असंभव। दोनों हवा के डायरेक्शन में फ्लो होंगे। वही मेहुल समझ जाता है कि ये फेक फोटो है, रेचल झूठ बोल रही है और उसे पकड़े रोहित का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और जिन पे शक होता है उन्हें बुलाता है। आकाश, मैं तो पार्टी में गया था, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने रोहित को पार्टी के लिए पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। लखन, मैं शॉपिंग करने मॉल गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। निखिल, मैं तो उस टाइम बर्ड वॉचिंग करने गार्डन में गया था, मैंने पूछा था रोहित को चलने के लिए, उसने मना कर दिया। तीनों की गवाही सुनने के बाद निखिल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन, कैसे भी उनको कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। रात को हुआ ना मर्डर, तो ये तो मर्डर नहीं कर सकता आकाश, क्योंकि ये तो पार्टी में है ना, ये घर पे है। इसका नाम क्या है? क्या अपने लापरवाही का नतीजा है? पार्टी वाला क्या बोला तूने? करीब 10 बजे हुआ, उस टाइम कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है, मतलब निखिल झूठ बोल रहा है, वही खूनी है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। अगर एक चॉकलेट और एक पानी की बोतल 110 रुपए की है और चॉकलेट का कॉस्ट पानी की बोतल से 100 रुपए ज्यादा है, तो आप बताएं पानी की बोतल का कॉस्ट क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। गलत है। चॉकलेट का कॉस्ट 100 रुपए ज्यादा है।
अगर बोतल 10 रुपए की है तो चॉकलेट 90 रुपए महंगी होगी। अरे मुझे चक्कर आने लगा। इसको सॉल्व करने के लिए बोतल को एक्स ले लीजिए, तो चॉकलेट क्योंकि 100 रुपए ज्यादा है और 210 तो 2x = 10 तो एक्स आ जाएगा 5, मतलब बोतल हो गई। मुंबई के ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग पड़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट चेक करने लगे थे। बात तो सही है। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उसे टिकट पूछा, तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है, तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? उसने आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है, तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वही टिकट को समझ जाता है कि रोहन